तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे पास ये जो दो प्रोग्राम है, व्हाट आर दे ट्राइंग टू आस्क इन दीज टू प्रोग्राम्स, इन दोनों प्रोग्राम से वो क्या पूछना चाहते हैं, ये पहली चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए, राइट? सो हियर लेट अस अज्यूम दैट, जस्ट होल्ड ऑन सेकेंड. सो लेट अस अज्यूम दैट दिस इज़ योर अरे. ये जो है ये आपको एक अरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड इन दिस अरे वी आर गोइंग टू हैव सम कॉलम्स. सो दिस आर रिप्रेजेंटिंग ऑल ऑफ योर कॉलम्स. And these are representing your rows. Correct? So here you can see in this array is having a dimension of 512 cross 512. That means it is a two-dimensional array. So in the index locations here will be 0, 1, 2, 3, up to so on. 511 here, and here we are having 0, 1, 2, 3, up to 4, up to so on 511. तो जो इंडेक्स लोकेशंस है वो 512 जो कॉलम्स है वो यहाँ पर होंगे, एंड 512 कॉलम्स जो है वो यहाँ पर होंगे, करेक्ट? आफ्टर दिस इन दिस कोड सेगमेंट, जो पहला कोड सेगमेंट गिवन है, हेयर दे आर ट्राइंग टू एड ऑल द नंबर्स, बट टू थिंग्स दैट दे आर स्पेसिफिकली मैंशनिंग हेयर, दैट दिस वेरिएबल आई जे एंड एक्स, दीज थ्री वेरिएबल्स आर करेंटली प्रेजेंट इन रजिस्टर्स. वाई दे आर प्रेजेंट इन रजिस्टर्स, बिकॉज दीज वेरिएबल्स आर वेरी फ्रिक्वेंटली यू नो यूज. ये जो तीनों वेरिएबल्स हैं इसको हमने बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ किया है, दैट इज़ वाई दीज थ्री वेरिएबल्स आर करेंटली प्रेजेंट इन द रजिस्टर्स. फाइन. नाउ नाउ इन द फर्स्ट प्रोग्राम हियर, ये जो पहला प्रोग्राम है, इफ यू चेक इट आउट, वी आर सेइंग एक्स इज इक्वल टू ए ऑफ आई डॉट जे, यानी कि ये जो आई है, दिस आई इज रिप्रेजेंटिंग योर रो एंड दिस जे इज रिप्रेजेंटिंग योर कॉलम, करेक्ट? एंड इन द सेकेंड प्रोग्राम दिस जे इज रिप्रेजेंटिंग योर रो एंड दिस आई इज रिप्रेजेंटिंग योर कॉलम. इफ यू नोटिस, अगर आप इसको क्लियरली नोटिस करेंगे, देन यू विल आइडेंटिफाई कि जो आपका पहला प्रोग्राम है, हियर वी आर ट्राइंग टू एक्सेस द डेटा इन अ रो मेजर ऑर्डर. आप जो डेटा है उसको रो मेजर ऑर्डर में एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड इन द सेकेंड प्रोग्राम वी आर ट्राइंग टू एक्सेस द डेटा इन कॉलम मेजर ऑर्डर. कॉलम मेजर ऑर्डर आई मीन टू से कि फर्स्ट प्रोग्राम में हम डेटा को रो बाय रो एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, इन द सेकेंड प्रोग्राम वी आर ट्राइंग टू एक्सेस द डेटा कॉलम बाय कॉलम. ओके. सो जैसे इफ़ यू चेक आउट दिस फर्स्ट प्रोग्राम हियर, सो हियर यू कैन सी वी आर ट्राइंग टू एक्सेस दीज रोज. ये जो रो हैं आपके पास, वी आर ट्राइंग टू एक्सेस दीज रोज. लेट मी मेक इट हियर. तो यहाँ पर ये जो रो है, हम लोग फर्स्ट प्रोग्राम में हम लोग इन रोज को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, रो बाय रो. वी आर ट्राइंग टू एक्सेस द डेटा रो बाय रो लाइक दिस, ठीक है? एंड इन योर सेकेंड प्रोग्राम वी आर ट्राइंग टू एक्सेस द डेटा कॉलम बाय कॉलम. तो हम सो कुछ ऐसे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू एक्सेस दिस कॉलम, देन वी आर गोइंग टू एक्सेस दिस कॉलम, आई मीन दिस वैल्यूज, देन वी आर गोइंग टू एक्सेस दिस वैल्यूज एंड सो ऑन. तो इस तरीके से हम डेटा को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? अब अ फ्यू थिंग्स दैट इज गिवन. फर्स्ट ऑफ ऑल द सीपीयू हैज़ अ 32 KB डायरेक्ट मैप कैश, ठीक है? तो ये आपकी कैश मेमोरी है. लेट अस अज्यूम दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर कैश मेमोरी. ये आपकी कैश मेमोरी है, एंड दिस कैश मेमोरी विल बी ऑफ 32 KB. आपकी कैश मेमोरी कितनी है? 32 KB. दैट कैन बी रिटन एज 2^15 bytes, जो कि 2^15 bytes के इक्वल है, एंड योर ब्लॉक साइज इज 128 byte. तो जो ब्लॉक साइज है वो आपके पास 128 bytes हैं. फाइन. सो दैट मीन्स हाउ मेनी यू नो, इफ यू चेक आउट हाउ मेनी ब्लॉक्स विल बी देयर इन द कैश, कैश मेमोरी में कितने ब्लॉक्स होंगे? सो इफ आई डिवाइड दिस कैश मेमोरी इन टू ब्लॉक्स, हाउ मेनी ब्लॉक्स विल बी देयर इन द कैश? सो हियर वी आर गोइंग टू हैव 2^15 डिवाइड बाय 2^7, दैट इज इक्वल टू 2^8 ब्लॉक्स. कैश मेमोरी में आपके पास 2^8 ब्लॉक होंगे,
दैट इज इक्वल टू 256 ब्लॉक्स, जो कि यहाँ पर 256 ब्लॉक्स के इक्वल होगा. तो आई होप दिस मच इज क्लियर. ये बहुत आसान चीज़ था, सो दिस शुड बी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू गाइस. ओके, नाउ ये जो अरे है, इन दिस अरे वन लोकेशन और कैन सी वन स्क्वायर कंज्यूम्स 8 बाइट ऑफ मेमोरी. जो यहाँ पर एक सेल है वो 8 बाइट ऑफ मेमोरी को कंज्यूम करेगा. एंड बिकॉज वी हैव 128 बाइट ब्लॉक, तो यानी कि एक ब्लॉक के अंदर हाउ मेनी सेल्स वी कैन हैव. सो वी कैन हैव 128 डिवाइड बाई 8 एंड यू विल फाइंड आउट ये कितनी वैल्यू होंगी. सो 128 इज 2 पावर 7 एंड 8 इज 2 पावर 3, सो दिस इज 16. यानी कि जो आपकी 16 सेल्स है, यानी कि सेल नंबर 1 से लेकर सेल नंबर 16, दीज विल बी मैप्ड इन कैश लाइन नंबर 0, राइट. क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट मैप्ड कैश है, सो इट इज रिप्रेजेंटिंग अ डायरेक्ट मैप्ड कैश. सो बेसिकली ईच ऑफ दीज एलिमेंट्स इन द अरे, देयर लोकेशन इन द कैश मेमोरी इज ऑलरेडी फिक्स्ड. कि कौन सा जो एलिमेंट है, जैसे इंडेक्स लोकेशन 0 से लेकर इंडेक्स लोकेशन 15 तक, सो दे आर गोइंग टू मेक अस 16 यू नो सेल्स, सो दे विल बी मैप्ड विद अ कैश लाइन नंबर 0. देन फ्रॉम इंडेक्स लोकेशन 16 टू इंडेक्स लोकेशन 31, दे विल बी मैप्ड टू कैश लाइन नंबर 1. फ्रॉम इंडेक्स लोकेशन 32 टू इंडेक्स लोकेशन 47, दे विल बी मैप्ड टू द कैश लाइन नंबर 2 एंड सो ऑन. यानी कि जो डेटा यहाँ पर कैश लाइन के मैप होगा, दैट विल बी मैप्ड रो बाय रो. ठीक है, नाउ इफ यू चेक इन दिस मैनर, इफ यू चेक इन दिस मैनर, सो दे आर आस्किंग इस केस में व्हाट इज द नंबर ऑफ कैश मिस. कैश मिस का मतलब क्या है? इफ यू आर सर्चिंग फॉर अ ब्लॉक एंड दैट ब्लॉक इज नॉट प्रेजेंट इन द कैश मेमोरी, तो उस ब्लॉक को हम बोलते हैं कैश मिस, करेक्ट. अब यहाँ पर कितने कैश मिस होंगे, हाउ मेनी कैश मिसेज विल बी देयर. सो फॉर एवरी ब्लॉक वी आर गोइंग टू हैव अ कैश मिस. जितने भी ब्लॉक यहाँ पर होंगे, हर एक ब्लॉक के लिए कैश मिस होगा, करेक्ट. सो इफ दिस इज ब्लॉक नंबर 0, सो अगेन दिस इज ब्लॉक नंबर 0. फॉर ब्लॉक नंबर 0 वी आर गोइंग टू हैव अ कैश मिस. फॉर ब्लॉक नंबर 1 वी आर गोइंग टू हैव अ कैश मिस. फॉर ब्लॉक नंबर 2 वी आर गोइंग टू हैव अ कैश मिस. सो इन दिस मैनर हाउ मेनी ब्लॉक्स विल बी देयर इन दिस अरे, इस अरे के अंदर कितने ब्लॉक्स होंगे. यू विल आइडेंटिफाई द टोटल साइज ऑफ दिस अरे इज 512 x 512 x 8 bytes. ये जो है इस अरे का टोटल साइज है. एंड इफ़ यू डिवाइड दिस टोटल साइज विद द ब्लॉक साइज दैट इज 128, तो यहाँ से आप निकालने की कोशिश कर सकते हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ यू नो ब्लॉक्स आर प्रेजेंट इन दिस अरे. सो दिस इज 2^9 x 2^9 x 8 2^3 डिवाइड बाई 2^7. तो ये जो वैल्यू है 2^9 x 2^9 दैट इज गोइंग टू बी 2^18 x 2^3 x 2^21, और 2^21 में से अगर आप 2^7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट, सो दिस इज 2^21 डिवाइड बाई 2^7, सो दिस वैल्यू विल बी 2^14. ये जो वैल्यू है ये 2^14 होगी. सो बेसिकली वी आर गोइंग टू हैव 2^14 ब्लॉक्स इफ यू आर गोइंग टू एक्सेस दिस दिस अरे इन रो बाय रो. ओके, एंड वी आर गोइंग टू हैव 2^41 मिसेस. यहाँ पर 2^41 मिसेज होंगे एंड दैट विल बी इक्वल टू ऑप्शन नंबर सी 16384. तो कितने मिस होंगे यहाँ पर? 16384. नाउ लेट मी गो स्टेप बाय स्टेप. मैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करता हूँ, राइट. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट डू आई मीन बाय रो मेजर ऑर्डर. रो मेजर ऑर्डर का मतलब क्या है एंड व्हाट डू आई मीन टू से बाय कॉलम मेजर ऑर्डर. रो मेजर ऑर्डर में और कॉलम मेजर ऑर्डर में क्या डिफरेंस है, ठीक है. सो दिस रो मेजर ऑर्डर एंड कॉलम मेजर ऑर्डर, दिस वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ योर प्रोग्रामिंग. बेसिकली सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी एंड सी प्लस प्लस, जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे कि सी है और सी प्लस प्लस है, दे फॉलो रो मेजर ऑर्डर फॉर टू डायमेंशनल अरेज. बट वेन वी हैव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक फॉरट्रैन कहो या फिर मैटलैब करो, सो दिस मैटलैब एंड फोरट्रैन दे फॉलो कॉलम मेजर ऑर्डर, ठीक है. नाउ इन दिस केस हियर यू कैन सी दिस इज रिप्रेजेंटिंग एन अरे एंड सेम अरे आई एम ऑल्सो टेकिंग हियर. सो दीज आर द कॉलम्स एंड अगेन हियर दीज आर द कॉलम्स. So
So this is column number 0, 1 and 2, column number 0, 1 and 2, again here 0, 1 and 2 and here 0, 1 and 2, ठीक है. तब होगा क्या, जब हम row major order की बात करते हैं, that means we assign contiguous addresses to the rows, ठीक है. So this is, if this is element number A1, this is A2, this is A3, this is A4, A5 and A6, A7, A8 and A9, यानी कि सभी elements को जो हम मेमोरी एलोकेट करेंगे, इन दैट मेमोरी वी आर गोइंग टू हैव कॉन्टिग्यूस एलोकेशंस टू ऑल द रोज. जैसे सबसे पहले हम A1 को स्टोर करेंगे, फिर A2 को स्टोर करेंगे, फिर A3 को स्टोर करेंगे, देन A4, देन A5, देन A6, A7, A8 एंड A9. इफ द एड्रेस ऑफ A1 इज 1000, द एड्रेस ऑफ A2 विल बी 1004. अगर आपका जो अरे है, दीज आर हैविंग 4 bytes, अगर ये सभी 4 bytes की locations हैं, सो दिस A3 विल बी हैविंग एन एड्रेस 1008, A4 विल बी हैविंग एन एड्रेस 1012, A5 विल बी हैविंग एन एड्रेस 1014, A6 1016, A6 1020, A7 1024, A8 1028 एंड A9 विल बी 1032. यानी कि यहाँ पर जो भी हम लोग इनको एड्रेसेस असाइन करेंगे, दे विल बी असाइंड रो बाय रो, हम रो बाय रो एड्रेसेस को असाइन करेंगे. बट इन केस ऑफ कॉलम मेजर ऑर्डर, दीज एड्रेसेस आर असाइंड इन कॉलम बाय कॉलम. सो आई मीन टू से दिस इज A1, A2, A3, दिस इज A4, A5, A6, A7, A8 एंड A9. तो यहाँ पर क्या होगा, इफ दिस इज एड्रेस 1000, देन दिस इज एड्रेस 1004, दिस इज 1008, दिस इज 1012, 1016, 1020, 1024, 1028 एंड 1032. और कॉलम बाय कॉलम में क्या हुआ था, आई मीन रो बाय रो में क्या हुआ था. सो इन रो बाय रो द एड्रेसेस विल बी लाइक दिस. एड्रेसेस क्या होंगे हमारे पास रो बाय रो में, दिस इज 1000, दिस इज 1004, 1008, 1012, 1016, 1020, 1024 and 1028 and this is 1032. Now in this question we are specifically giving us a program and that program is a C language program. So basically we are following this row major order. Hum is question ke andar hum row major order ko follow kar rahe hain. We are not following column major order in this particular question. यानी कि जितनी भी रोज हैं, वी आर गोइंग टू असाइन कॉन्टिग्यूस एड्रेसेस टू द रोज, और जो आपके कॉलम्स हैं वहाँ पर कॉन्टिग्यूस एड्रेसेस नहीं होंगे, ठीक है. जैसे अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे, इफ़ यू चेक इट आउट हियर, सो दिस अरे वॉज हैविंग 3 columns. इस अरे के अंदर आपके पास 3 columns है, राइट. सो वट इज़ द एड्रेस ऑफ दिस लोकेशन, इस लोकेशन का एड्रेस क्या होगा, दैट इज़ गोइंग टू बी 1000 प्लस 3 × 4. ये 4 क्या है, दिस इज द साइज ऑफ डेटा वेरिएबल एंड दिस 3 इज नंबर ऑफ कॉलम्स. ये जो 3 है ये नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके. एंड वट इज़ द एड्रेस ऑफ दिस लोकेशन, A7. A7 का एड्रेस क्या होगा, दैट इज़ 1000 प्लस 6 × 4, बिकॉज यहाँ 6 elements जो है वो यहाँ पर निकल चुके हैं. सो दिस इज बेसिकली 6 × 4 इज 24. 6 × 4 को हम लोग बोलेंगे कि ये 24 है, ठीक है. या फिर आप इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, यू कैन ऑल्सो राइट इट इन दिस वन मोर फैशन, आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं. सो दैट इज़ 1000 प्लस 1 × 3 मल्टीप्लाइड बाई 4, वेयर 1 इज़ रिप्रेजेंटिंग योर रो नंबर, 3 इज़ रिप्रेजेंटिंग टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, ओके, एंड 4 इज़ रिप्रेजेंटिंग द साइज, ओके. इन द सेम वे दिस इज 2 × 3 × 4, वेयर 2 इज़ रिप्रेजेंटिंग द रो नंबर, 2 जो है वो रो नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है, 3 इज रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड 4 इज रिप्रेजेंटिंग द साइज. तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि इस लोकेशन का, राइट, इस लोकेशन का जो एड्रेस है वो क्या होगा, करेक्ट. अब अगर इस क्वेश्चन में वापस हम आएंगे, इफ़ यू चेक आउट द सेम क्वेश्चन अगेन, तो यहाँ पर आप चेकआउट करेंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक सी प्रोग्राम गिवन है, फाइन, एंड द मेमोरी टू दिस सी प्रोग्राम विल बी अलोकेटेड इन अ, यू नो, किस तरीके से अलोकेट होगी सी प्रोग्राम का मेमोरी, दैट विल बी रो बाय रो, दैट इज सी प्रोग्राम्स फॉलो रो मेजर ऑर्डर, एंड दे आर स्पेसिफिकली राइटिंग दैट दे आर गिविंग अस अ सी कोड सेगमेंट. हमारे पास एक सी कोड सेगमेंट गिवन है, तो जो मेमोरी अलोकेट होगी वो हमारे पास रो बाय रो मेमोरी अलोकेट होगी, ओके. सो यू कैन सी इट इन दिस मैनर, आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं दैट दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर अरे, ठीक है, और
इस अरे के अंदर दीज आर रिप्रेजेंटिंग योर रोज. And these are representing your columns. So here we are having index location 0, 1, 2, 3, 4, up to so on 511. And here 0, 1, 2, 3, 4, up to so on 511. ठीक है. अब अगर जो फर्स्ट लोकेशन है इसका अगर एड्रेस 1000 है और लेट अस सपोज एड्रेस इज जीरो, अगर इसका एड्रेस जीरो है द एड्रेस ऑफ द सेकंड लोकेशन विल बी 8, द एड्रेस ऑफ द थर्ड लोकेशन विल बी 16, फोर्थ लोकेशन का जो एड्रेस है वो होगा आपके पास 24, नेक्स्ट लोकेशन का जो एड्रेस है दैट विल बी 32 एंड सो ऑन. एंड व्हाट इज एड्रेस ऑफ दिस लोकेशन, इस लोकेशन का एड्रेस कितना होगा, दैट इज 0 प्लस 1 बिकॉज हम फर्स्ट रो के अंदर है मल्टीप्लाइड बाय How many columns are there? There are 512 columns multiplied by the size 8. यानी कि ये होगा 0 plus 512 is basically 2 raised to power 9 multiplied by 8, that is 2 raised to power 3, or you can say 2 raised to power 12. और जो 2 raised to power 12 है that is representing 4096. 2 raised to power 12 4096 को represent कर रहा है, therefore address of this location is 4096. What is the address of this location? इस location का address होगा 4100 and 4. In the same way I can calculate the address of each of these locations. हम इन सभी location का address calculate कर सकते हैं. अब अगर जो पहला जो हमारा part है, अगर आप पहला program checkout करेंगे, so in the first program here we are accessing the data row by row. तो जो पहला program है हम data को row by row access कर रहे हैं, row by row access कर रहे हैं. Row by row means we are going to access these data elements which are having continuous memory allocations. ये जो सभी data elements हैं ये continuous memory allocation होंगे. So therefore in block number 0 your index, I mean in block number 0 जो आपका cell है, cell कहो या फिर कहो कि this is A1, A2, A3, A4, अगर ऐसे भी कह सकते हैं, फिर आप कह सकते हैं कि in block number 0 जो आपका cell number 0 से लेकर और सेल नंबर जो 15 है, राइट, ज़ीरो से लेकर 15 तक जो सेल है वो ब्लॉक नंबर ज़ीरो के अंदर आएगा. ओके, आई मीन इन दिस रो एलिमेंट नंबर 0 टू एलिमेंट नंबर 15 दे विल कम इन ब्लॉक नंबर 0. इन द सेम वे जो ब्लॉक नंबर 1 आएगा उसके अंदर जो सेल नंबर 16 से लेकर और सेल नंबर जो 31 है वो ब्लॉक नंबर 1 के अंदर आएगा. इन ब्लॉक नंबर 2 द सेल नंबर 32 से लेकर सेल नंबर 47 तक ब्लॉक नंबर 2 के अंदर आएगा एंड सो ऑन. तो बेसिकली जितने भी आपके पास हम अगर डेटा को रो बाय रो एक्सेस करेंगे, इफ़ यू आर गोइंग टू एक्सेस रो बाय रो, तो इन सभी सेल्स के लिए आई मीन 16 सेल्स विल कम इन वन ब्लॉक, 16 सेल जो है वो वन ब्लॉक के अंदर आएंगे, करेक्ट. और फिर हमें करना क्या है कि ये जो कैश मेमोरी है, ये जो आपकी कैश मेमोरी है, इन दिस कैश मेमोरी दिस इज लाइन नंबर 0, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, अप टू सो जितनी भी लाइन्स है आपके पास, ये जो ब्लॉक नंबर 0 है, दिस ब्लॉक नंबर 0 कैन बी प्लेस्ड इन लाइन नंबर 0. देन वी हैव ब्लॉक नंबर 1, दैट ब्लॉक नंबर 1 कैन बी प्लेस्ड इन लाइन नंबर 1. देन ब्लॉक नंबर 2 कैन बी प्लेस्ड हियर, ब्लॉक नंबर 3 कैन बी प्लेस्ड हियर एंड सो ऑन. हम दोबारा से इस तरीके से साइकिल को फॉलो कर सकते हैं. तो यहाँ पर कितने कैश मिस होंगे, कैश मिस कितने होंगे, कैश मिस का मतलब क्या है कि अगर कोई ब्लॉक कैश मेमोरी में प्रेजेंट नहीं है, करेक्ट, जो ब्लॉक अगर कैश मेमोरी के अंदर प्रेजेंट नहीं है देन वी कॉल दिस एज ए कैश मिस, करेक्ट. अब अगर कोई ब्लॉक कैश मेमोरी के अंदर प्रेजेंट नहीं है सो ऑब्वियसली इनिशियली कैश मेमोरी के अंदर इसमें से कोई भी ब्लॉक प्रेजेंट नहीं होगा. हाउ मेनी ब्लॉक्स विल बी देयर, कितने ब्लॉक्स होंगे, हाउ मेनी ब्लॉक्स इस मेमोरी के अंदर कितने ब्लॉक्स होंगे, इस तरीके से हाउ मेनी ब्लॉक्स विल बी देयर. तो कितने ब्लॉक्स होंगे यहाँ पर हमारे पास, 512 मल्टीप्लाइड बाई 512 मल्टीप्लाई बाई 8, दिस इज द साइज ऑफ दिस एंटायर अरे, डिवाइड बाय द ब्लॉक साइज विच इज़ 128. तो ये आपको पता चलेगा दिस इज 2 रेस्ट पावर 14 ब्लॉक्स आर देयर, यहाँ पर 2 रेस्ट पावर 14 ब्लॉक्स होंगे इस पूरे अरे के अंदर. सो फॉर ऑल ऑफ दिस 2 रेस्ट पावर 14 ब्लॉक्स वी आर गोइंग टू हैव अ कैश मिस. जितने भी 2 रेस्ट पावर 14 ब्लॉक्स है यहाँ पर सभी के लिए कैश मिस होगा, राइट. सो जो आपका इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है कि अगर हम लोग यू नो इफ यू आर गोइंग टू एक्सेस दीज एलिमेंट्स इन ब्लॉक बाय ब्लॉक मैनर देन वी आर गोइंग टू हैव टोटल ऑफ 2 रेज़ पावर 14 कैश मिस, हमारे पास 2 रेज़ पावर 14 यहाँ पर कैश मिस होंगे. इतना क्लियर हुआ.
Now let me move on to the second part. इसका अगर आप second part check out करेंगे, I mean if you check out this second program here, then you will identify this second program is trying to access the elements of the array in column by column. हम इस array के जो elements हैं उसको column by column access करने की कोशिश कर रहे हैं. तो अगर इसका second part check करेंगे, so in your second part, you're trying to access these elements in a column by column fashion. That means we are going to access this column first. तो जो पहला कॉलम आएगा आपके पास, this column will be having again 16 blocks. इस कॉलम में आपके पास 16 blocks होंगे, correct? Fine. So अगर इस कॉलम में आपके पास 16 blocks होंगे, but something interesting is here. कुछ इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर जितने भी सेल्स होंगे, फॉर एवरी सेल देर विल बी कैश मिस, क्योंकि जो फर्स्ट सेल है, दिस फर्स्ट सेल विल कम इन ब्लॉक नंबर 0, दिस सेकेंड सेल विल कम इन ब्लॉक नंबर एक्स, दिस थर्ड सेल विल कम इन ब्लॉक नंबर वाई. सो बेसिकली सेकेंड एग्जाम्पल में हमारे पास जितने भी सेल्स को हम कॉलम बाई कॉलम एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, वी आर गोइंग टू हैव कैश मिस फॉर ईच ऑफ दिस सेल, बिकॉज हर एक सेल को एक्सेस करने के लिए आपको एक न्यू ब्लॉक को कैश मेमोरी के अंदर लेकर आना पड़ेगा. सो फॉर एवरी सेल देर विल बी कैश मिस. एंड हाउ मेनी सेल्स आर देयर? वी आर गोइंग टू हैव 512 क्रॉस 512. दीज मेनी सेल्स आर प्रेजेंट हियर. कितने सेल्स प्रेजेंट है? 512 क्रॉस 512. फॉर एवरी सेल देर विल बी अ कैश मिस. सो नंबर ऑफ कैश मिस कितने होंगे सेकेंड केस में? दैट इज 2^18 कैश मिसेज. इतने कैश मिसेज होंगे. तो फर्स्ट केस में जब हम डेटा को रो बाय रो एक्सेस कर रहे थे, इन दैट केस वी आर गोइंग टू हैव 2^14 कैश मिस. इन द सेकंड पार्ट इफ यू आर ट्राइंग टू एक्सेस द डेटा इन अ कॉलम बाय कॉलम फैशन, इन दैट केस वी आर गोइंग टू हैव 2^18 कैश मिस. आई होप अब क्लियर है, राइट? सो इट अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन, राइट? बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. आई होप सभी को समझ में आया होगा. सो इन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, आई मीन इन द सेकंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, तो जो सेकंड पार्ट है, हाउ टू स्टोर द ब्लॉक इन कैश इन द सेकेंड केस. ओके, सेकेंड केस में हम ब्लॉक को कैश के अंदर कैसे स्टोर करेंगे? देखो जो सेकेंड केस है, राइट, सो फॉर सेकेंड केस इफ यू वॉन्ट टू फाइंड आउट दिस इंडेक्स लोकेशन ए, अगर हम ये जो इंडेक्स लोकेशन है, दिस इज प्रेजेंटिंग A00, राइट? सो फॉर दिस इंडेक्स लोकेशन वी हैव टू ब्रिंग दिस एंटायर ब्लॉक नंबर 0. ये जो पूरा ब्लॉक नंबर 0 है हमें यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा. ओके, सो इस तरीके से ही अगर हमें इंडेक्स लोकेशन 01 को एक्सेस करना है, दैट इज रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 0, अब इसके लिए हमें इस पूरे ब्लॉक को, दिस एंटायर ब्लॉक वी हैव टू ब्रिंग इन द कैश मेमोरी. तो बेसिकली जब भी हम ब्लॉक को कैश मेमोरी के अंदर लेकर आएंगे, वी आर गोइंग टू ब्रिंग द ब्लॉक इन द कैश मेमोरी विच आर रो बाय रो. मतलब बिकॉज इन सी लैंग्वेज वी फॉलो रो मेजर ऑर्डर, तो आपका जो भी अगर एक सेल आपको रीड करना है, इवन इफ यू वॉन्ट टू रीड वन सेल, यू हैव टू ब्रिंग एंटायर ब्लॉक इन द कैश मेमोरी. तो यहाँ पर इफ व्हेन यू आर रीडिंग द सेल्स कॉलम बाय कॉलम, तब आपको हर एक सेल के लिए यू हैव टू ब्रिंग द एंटायर 16 बाइट ब्लॉक, और जो 16 बाइट ब्लॉक, आई मीन 16 सेल ब्लॉक, और जो पूरा 16 सेल ब्लॉक होगा, वो सारा का सारा 16 सेल ब्लॉक आपका रो बाय रो होगा. इवन दो वी आर नॉट रीडिंग द डेटा रो बाय रो, वी आर रीडिंग द डेटा कॉलम बाय कॉलम, बट वी हैव टू ब्रिंग द एंटायर 16 सेल रो इन द कैश मेमोरी एट वंस. तो अगर यहाँ पर टोटल, इफ यू चेक आउट हियर, इफ यू आर हैविंग टोटल 512 रोज इन अ कॉलम, एक कॉलम के अंदर अगर 512 रोज हैं, फॉर एवरी रो वी आर गोइंग टू हैव वन कैश मिस. हर एक रो के लिए हम एक पूरे ब्लॉक को लेकर आएंगे, फॉर एवरी रो वी आर गोइंग टू हैव वन कैश मिस. ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू हैव मेनी कैश मिसेज हियर. ठीक है, अब क्लियर है? सो इफ इट इज क्लियर, देन देयर इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. दे आर आस्किंग व्हाट इज द रेशियो ऑफ M1 एंड M2. तो जो M1 है, इन M1 वी आर हैविंग 2^14 मिसेस. M1 के अंदर आपके पास 2^14 मिसेस थे, एंड इन M2 वी आर गेटिंग 2^18 मिसेस. M2 के अंदर 2^18 मिसेस है. सो इफ आई डू M1 डिवाइड बाय M2, दैट इज गोइंग टू बी 2^14 डिवाइड बाय 2^18, दैट इज 1/2^4. विच इज इक्वल टू 1/16. सो M1 डिवाइड बाई M2 का जो रेशो होगा 1/16 होगा. दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर.